दिवसीय जैन घर में मनाई गई शबे कद्र, मौलाना और कमेटी का किया गया सम्मान। गुना में आज मोहम्मदी मस्जिद जैन घर में शबे कद्र मनाई गई। 24वां रोजा 25वीं सबको कलाम पाक मुकम्मल हुआ, जो तरावीह नमाज के रूप में पढ़ा जाता है और मौलाना साहब के द्वारा लोगों को सुनाया जाता है। आज की रात जाकर मुस्लिम भाइयों ने रात में नमाजें पढ़ी और कुरान की तिलावत की और देश के लिए अमन चैन की दुआ मांगी। इस मौके पर मौलाना साहब को कमेटी संस्था की ओर से सम्मानित किया गया और कमेटी के लोगों को भी सम्मानित किया गया। इस मौके पर हाजी मौला वक्स साहब, हाजी इकबाल खान साहब, सदर अध्यक्ष शहजाद खान, सुल्तान खान, इकरार खान, निजान उल हक, सरफराज खान, असलम मंसूरी और तमाम बड़े बुजुर्ग, नौजवान और छोटे छोटे बच्चे और कमेटी के मेंबर सदस्य मस्जिद में मौजूद रहे। जो दुनिया में रहकर के अपने शोहर पर जबान दराजी किया करती थी, आज भी होता है ना, आज भी होता है ना। खैर, मेरी तो शादी अभी नहीं हुई है अल्लाह की धर्म से, वो भी जाएगी, वो भी अल्लाह की धर्म से। बहुत साल इकराम, आज हम देखते हैं ना कि औरतें अपने शोहर औरतें अपने शोहरों से जबान दराजी करती है, और अगर उनकी उनके शोहर पर नहीं चलती है तो सबसे बड़ा पॉइंट, सबसे बड़ा फार्मूला वो पता क्या यूज करती है, जाओ तुम तो ऐसे घर में पता ही जाओ। बहुत सामने इकराम, ये कोई हंसने की बात नहीं है बल्कि बहुत गहराई से समझने की बात है। वजह क्या है कि औरत हमारे ऊपर जबान दराजी कर रही है, हमसे बंद आवाज में बात कर रही है। वजह यही है कि हमने अपनी औरत को आने के बाद उसको मजहब इस्लाम से आश्रय नहीं दिया, हमने उसको नहीं बताया कि किस तरीके से हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ जिंदगी बसर की, हमने उन्हें नहीं बताया कि किस तरीके से उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपनी मुबारक जिंदगी को बसर किया, हमने उनको नहीं सबक दिया कि किस तरीके से उम्मुल हजरत हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिंदगी को बसर किया। मोहतरमे इकराम, अगर हम मज़हब इस्लाम में पढ़े हुए होते, अगर हम मज़हब इस्लाम के सबक। मीडिया के लिए गुना से अल्ताफ अहमद की रिपोर्ट।